हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी, जिस तरीके से हम लोगों ने कल यस्टरडे वीडियो में बात करी थी। हमारा यही रूल था कि मार्केट को शॉर्ट नहीं करना, बिकॉज FIIs और DIIs दोनों बाइंग कर रहे हैं। FIIs फ्यूचर्स पे ज्यादा अपना कंट्रोल दिखा रहे हैं और दो दिन से हम लोग अच्छी बाइंग देख रहे हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे। इसके अलावा हमें ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी स्ट्रांग लग रहा था, बट निफ्टी का डाटा हमें स्ट्रांग नहीं लग रहा था। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या बात करी थी कि हमें शॉर्ट नहीं करना। अगर बाय चांस मार्केट ऊपर खुलती है तो भी हम लोग अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं, और कुछ मेजर सर्टेन लेवल्स की बात करी थी। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को बहुत कुछ बताया था और एग्जैक्टली वो सारी चीजें वर्कआउट करी हैं। तो कल की मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लेना है, और कल मैं आपको बताने वाला हूँ कि थर्सडे को एक्सपायरी में किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे, देखते हैं कौन से स्टॉक्स पे काम कर सकते हैं, इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी में और क्या कर सकते हैं। एक और अनाउंसमेंट है दैट वी आर कंसिडरिंग टू स्टार्ट द बुल्सआई प्रोग्राम, जहां पर हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन से चार्ट सेटअप्स बन रहे हैं, क्या मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, एवरीथिंग विद अ समथिंग। तो आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि आप अपनी प्रीवियस सर्विस को स्टार्ट करें। सो वी आर थिंकिंग अबाउट इट, बट आपको विद इन अ डे और टू ऑलरेडी पता चल जाएगा थ्रू आर टेलीग्राम चैनल। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। चलते हैं अपने एक बार टेलीग्राम चैनल पे और लेट सी कि क्या बात है आज हम लोगों ने करी थी एंड उसे क्या रिलेट निकाल सकते हैं कल की मार्केट का। चलते हैं। सो ऑटोमेटिकली अगर आप यहां देख सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, जो हम लोगों ने आपको 960 नहीं बोला था, आफ्टर दैट निफ्टी का अपडेट आपको दिया था दैट इफ इट सस्टेन्स अबव 15,930 फॉर 30 मिनट्स ऑन अ मंडे मॉर्निंग, मतलब आज की मॉर्निंग की सॉरी बात हो रही है, देन द शॉर्ट कवरिंग विल बी एक्सपेक्टेड एंड कॉल राइटर्स विल बी ट्रैप्ड। एग्जैक्टली ऐसा हुआ आज, ऑलमोस्ट 16,230 तक मार्केट गई है, बहुत अच्छी रैली दी थी जब मैंने आपको ये बताया था। आफ्टर दैट ऑन बैंक निफ्टी आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट इन 33,950 के ऊपर अगर ये जाता है तो भी हम एक अच्छा मोमेंटम देख सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने आपको चार स्टॉक्स बोले थे इन फोकस के लिए, आप टाइम देख सकते हैं, इट्स 9:27 जब इन पे मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। जिंदाल स्टील आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जिंदाल स्टील आपको बताया था 474 पे 485 गया था। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ठीक है, 75.90 पे नेटवर्क 18 बताया था, 77 था, 4691 पे रिलायंस आपको बताया था एंड 4516 था, आप देख सकते हैं। वेदांता आपको 303 में बताया था, 317 था विद इन टू आवर्स के पीरियड के अंदर। आफ्टर दैट ये आप लोगों को RCF दे रखा है 88 रुपीज पे, राइट नाउ द करंट प्राइस इज 89.50, ये ऑलरेडी थ्री स्टॉक्स के अंदर इंक्लूडेड है एंड एवरी वॉइस चैट जिसके थ्रू आप लोगों को और नॉलेज मिलती है। तो चलते हैं अपने दोबारा ट्रेडिंग सेटअप पे, कौन से स्टॉक्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार स्टॉक्स की। सबसे पहला स्टॉक है सुमिकेम। अब सुमिकेम अगर आप देखोगे सुमिकेमिकल्स पे, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ने मुझे एक्चुअल में बहुत ज्यादा परेशान करा है। स्टॉक पहले हमने बहुत बार रिकमेंड करा हुआ है, जब भी करते थे तो ये साइडवेज ही पूरा जाता था और कोई मोमेंटम नहीं देता था, बट अब ये लग रहा है कि शायद मोमेंटम दे सकता है। और ये डायलॉग मैंने पहले भी वीडियोस में बोल रखा है, बट ये वर्क नहीं करता था, बट जब तक वर्क नहीं कर रहा साइडवेज है, ना लॉस है ना प्रॉफिट है, आई थिंक अगर हमने इसे होल्ड कर लिया तो ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस अभी राइट नाउ ट्रेडिंग एट 450 रुपीज। सो 450 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, वेरी गुड ब्रेकआउट ऑफ अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न एंड अ वेरी गुड रीटेस्ट आफ्टर दैट, और अभी इसके ऊपर जाके क्लोज दे रहा है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर लेट्स ओपन अ वन आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, ऑन अ वन आवर टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कि इट्स अ वी शेप रिकवरी दैट आई एम सीइंग, और अच्छे लेवल से ऊपर गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट मी यूज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू ये एक हर्डल था जिसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। राइट नाउ द बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी आई थिंक हो सकती है, या फिर हम लोग 450 के ऊपर भी एक पोजिशन बना सकते हैं अगर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज करती है। ठीक है, सो जो मेरे टारगेट्स हैं, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट माय टारगेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये एक इंट्राडे स्टॉक नहीं है, ये एक स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक है और वी आर एक्सपेक्टिंग अ मिनिमम टारगेट ऑफ 500 to 520 रुपीज का, जो कि ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखा सकता है। तो एज अ वॉच लिस्ट आप इसे जरूर रख सकते हैं। सो आर नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टॉक इज RCF। तो सबसे पहले RCF की एक बार स्टडी कर लेते हैं एंड चेक करते हैं कि RCF हमने आप लोगों को क्यों रिकमेंड करा था आज के ट्रेडिंग से। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं RCF पे, कि ये एक हर्डल था, ये अपर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था एंड आफ्टर अ ब्रेकआउट बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी। इट गेव अ वेरी गुड रीटेस्ट, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल तो नहीं बना पाया बट ऑलमोस्ट वैसी है। ठीक है, तो और एक अच्छे बेस और एक अच्छे सपोर्ट से ऊपर गया, तो डेफिनेटली पर्टिकुलर स्टॉक पे हम लोगों को एक अच्छी मोमेंटम दिख सकती है। सो लेट मी ओपन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम,
सो जो हमारा बाइंग प्राइस है दैट शुड बी 88 रुपीज का, जिस लेवल पे हमने इस लेवल पे बाय करा आफ्टर दिस ब्रेकआउट. सो इफ यू गेट अ बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी टुमारो तो डेफिनेटली यू कैन एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. स्टॉक नेम इज RCF. टारगेट्स आर ऑलरेडी सजेस्टेड इन द टेलीग्राम चैनल, तो डेफिनेटली यू गो एंड ज्वाइन दैट पर्टिकुलर चैनल बिकॉज वहां पर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मार्केट से रिलेटेड लाइव मार्केट में मिलती हैं. सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. सो द टारगेट शुड बी 96 एंड द नेक्स्ट टारगेट शुड बी 105 रुपीज. So let's move to our last stock, that is Epcotex Industries. So Epcotex, ये total 3 stocks है जो हम आपको को बता रहे हैं. And after the 3 stocks, we will go around Nifty and Bank Nifty analysis. So जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, after a very good rally, जब भी हमने considerate करा इस particular stock के अंदर कि जब भी एक range bound होता है और एक breakout की तैयारी कर रहा होता है, एक अच्छी momentum हमें इसके अंदर देखने को मिलती है. और stock बहुत ज़्यादा bullish है, बहुत ज़्यादा ही bullish है. एंड ये जो मार्केट के अंदर फॉल आया था, इस पर इसने ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं करा है फॉल में. तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऑन अर्ली टाइम फ्रेम, बहुत अच्छा चैनल है, इसका एक ब्रेकआउट दिया है. नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग ये एक अच्छी मोमेंटम दे सकता है. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर क्या है, इस पर थोड़े बहुत ट्रैप हो सकते हैं, वो कैसे एग्जामिन करना है वो मैं एक मिनट पर बता देता हूँ आपको. सो आप देख सकते हैं आफ्टर अ वेरी गुड रैली, कहीं पर भी इन बिटवीन इसने पॉज नहीं लिया और सीधा एक ब्रेकआउट दिया है, दैट इज़ गुड. बट अगर हम इसका वॉल्यूम्स चेक करें ना, तो वॉल्यूम्स आर नॉट दैट गुड. ठीक है, सो व्हाट इट कैन डू कि ये शायद नीचे आ सकता है इस लेवल पे, ये एक बेस क्रिएट कर सकता है. लेट मी जस्ट शो यू, इस लेवल पे एक बेस क्रिएट कर सकता है एंड आफ्टर दैट यहाँ से एक रैली बढ़िया दे सकता है. सो देयर आर दो टू अपॉर्चुनिटीज. अदर देन दैट, अगर ये कल अपने प्रीवियस हाई 590 के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करता है, देन इट्स अ डेफिनेट बाय. अदरवाइज अगर ये नीचे आता है और इस लेवल से एक रिवर्सल दिखता है, देन वी कैन एंटर इन दिस. So there are in total 3 stocks. Now let's talk about Nifty and Bank Nifty. After that हम लोग open interest का data study करेंगे and FIR का data and in conclusion निकालेंगे कि क्या scenarios के through approach बना सकते हैं. Okay, so हमारी जो बात थी वो basically यही थी. Let me open a 30 minutes time frame for you first of all. ठीक है, so yeah, so on a 30 minutes time frame we talked that ये एक मेजर लेवल था, एग्जैक्टली इस लेवल पे क्लोजिंग करी थी एंड वी टोक दैट कि एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, गैप अप खुला था येस्टरडे एंड आफ्टर टेस्ट, और यहाँ पर हम लोगों को दोबारा कॉल राइटर्स एक्टिव होते हुए दिख गए थे. ठीक है, बट इवेंचुअली जब यहाँ पर हमें एक आज गैप अप देखने को मिला, तो एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन का आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रेकआउट हुआ एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने बोला था इफ इट सस्टेन दिस पर्टिकुलर लेवल, और ये 200 डे की मूविंग एवरेज थी, सॉरी 50 डेज की, एंड इसके ऊपर जाके यहाँ पर ये सस्टेन करा, तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया, पूरी मूवमेंट आई होप आप लोगों ने कैप्चर करी होगी. बहुत अच्छी रैली थी एंड मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स भी मेरे पास प्रॉफिट के आए थे कि सर आफ्टर योर रिकमेंडेशन बहुत अच्छे टारगेट्स हमें अचीव हुए थे. सो अब क्या करना है, देखिए बेसिकली एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया. दूसरी चीज अगर हम चेक करें, इट्स कंटिन्यूसली मेकिंग अ लोअर लो एंड लोअर हाई. अब इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा है, दैट मींस कि ये कंटिन्यूस रैली डेफिनेटली नहीं देगा. आफ्टर अ वेरी गुड रेंज बाउंड और पॉज लेने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, तो देर आर टू अपॉर्चुनिटीज. अदर देन दैट, या तो कॉल राइटर्स पूरे के पूरे ट्रैप हो जाए और एक शॉर्ट कवरिंग बड़ी देखने को मिले. अदर देन दैट, अगर ये नहीं होता फुलफिल, तो मार्केट दोबारा एक बार नीचे आएगी. इट गेव कि जहां पर जितने भी बायर्स हैं वो ट्रैप होंगे, स्टॉप लॉस एज इट हो, एंड आफ्टर दैट एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी. दो सिनेरियो है. सेल साइड की अपॉर्चुनिटी अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है. सो लेट मी ओपन अ अर्ली टाइम फ्रेम फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल. सो अर्ली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा डबल बॉटम एंड अ डब्ल्यू पैटर्न बना है. सो ये एक छोटा सा बस इसका मेजर रेजिस्टेंस है जो कि एक हर्डल कर सकता है, एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली बड़ा ब्रेकआउट वी कैन एक्सपेक्ट. बट ब्रेकआउट दे सकता है, इट्स वेल एंड गुड. अगर कल गैप डाउन आता है और स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स के अंदर अंदर ही 16,200 के नीचे चले जाता है, देन 16,230 आप नोट करके रख लो, 16,200 के अगर ये नीचे चले जाता है विद इन ओपनिंग ऑफ द मार्केट विद इन 20 मिनट्स, तो इसका 16,230 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा और वहां पर दोबारा रीटेस्ट करके एक बड़ी फॉल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फॉल आई एम नॉट सेइंग अ बिग फॉल सॉरी, बट आई कैन से कि इस लेवल तक 16,050 तक आ सकता है, 16,080 तक. सो रिमाइंड करना कि अभी जो पुट राइटर्स का कंट्रोल है वो 16,200 पे है, बट वहां पर कॉल राइटर्स भी एक्टिव है. लेट मी शो यू. ठीक है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस. सो ना रिफ्रेश आप देख सकते हैं कि पुट राइटर्स बहुत ज्यादा ही एक्टिव हो, या कॉल राइटर्स पूरे के पूरे अनवाइंड कर चुके हैं पोजीशन को, बट दैट डजंट मीन कि यहां पर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन ऐड नहीं करी. एट 16,200 मेनी कॉल राइटर्स आल्सो एडेड देयर पोजीशंस, तो दोनों के बीच में एक्चुअल में फाइट है.
सो कल अगर 16,200 ब्रेक होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो पूरे दिन के लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता तो दैट 16,200 इज गोना बी अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स बोल सकते हैं, तो आप मान सकते हो ये एक लाइन है, इसके ऊपर अगर 20 मिनट रुक गया तो ये सपोर्ट है, इसके नीचे चला गया 20 मिनट के अंदर अंदर ही तो ये रेजिस्टेंस है। क्लियर एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं एक बार दोबारा बैंक निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। सो सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज तो आई एम नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग। ठीक है, तो लेट्स ओपन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। यस, तो ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम व्हाट आई हैव टॉक्ड यू अबाउट कि ये जो लेवल है 33,950 का, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था दैट इट्स अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, जैसे इसके ऊपर जाएगा वी कैन एंटर द पोजीशन, इट्स मूव्ड अप, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, वी डिडंट एंटर। बट आफ्टर दैट इस लेवल पे, जब मैंने आपको दोबारा बोला था एट 115 पे, यू कैन चेक द वॉइस नोट, तो ये इस लेवल पे आया था, आफ्टर दैट अ वेरी गुड रिकवरी फ्रॉम द मार्केट। सो द मार्केट इज गुड, डेफिनेटली द मार्केट इज गुड। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल बहुत स्ट्रांग था, क्यों लेट मी शो यू। अब देखना ना, इट्स अ वेरी बुलिश कैंडल, इसका जो मिड पॉइंट था वो एक इंपॉर्टेंट, इस मिड पॉइंट पे यहाँ पर सपोर्ट एंड देयर इज वेरियस सपोर्ट्स, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था और ये ब्रेक हो चुका है विच इज वेरी गुड। सो 34,200 इफ यू चेक माई वॉइस नोट्स जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दिए थे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे 16,200 पे कॉल एंड पोट्राइटस की फाइट चल रही है, एग्जैक्टली 34,200 पे भी कॉल ऑफ पोट्राइटस की बैंक निफ्टी में फाइट चल रही है। सेम सिनेरियो में रिपीट करा, जो निफ्टी में करा ये लाइन के ऊपर सस्टेन, देन दिस इज द सपोर्ट, इस लाइन के नीचे ऑन स्टार्टिंग बेसिस पे गया, देन दिस गोना बी द रेजिस्टेंस और द टारगेट शुड बी अराउंड। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि ये एक छोटा सा हर्डल डेफिनेटली बन सकता है, बिकॉज इट्स द गैप, अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है 330-350 के ऊपर, देन द नेक्स्ट टारगेट शुड बी 34,700, वी कैन एक्सपेक्ट दैट वेरी इजली। ठीक है, सो दिस इज ऑल द सिनेरियो, लेट्स गो टू एक बार बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट डाटा एंड लेट्स चेक। निफ्टी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू द बैंक निफ्टी, बट बैंक निफ्टी में भी सारे कॉल राइटर्स अनवाइंड कर चुके हैं, देर इज अ हेवी पुट राइटर्स पोजीशन है 34,000, जो कि थोड़ा सा दूर है, तो डेफिनेटली अगर 34,200 ऑन स्टार्टिंग बेसिस ब्रेक होगा तो 34,000 गोना बी अ वेरी गुड सपोर्ट, मतलब वहां तक की फॉल वी कैन एक्सपेक्ट और वहां पर हम एक ट्रेड भी ले सकते हैं। सो लेट्स चेक द FIR डाटा, ऑन FIR डाटा एज यू कैन सी इट हेयर कि फ्रॉम द पास्ट 3 डेज दे आर एक्चुअली बाइंग द फ्यूचर्स और वो लोग ऑल ऑफ पुट ऑप्शन के अंदर हेजिंग पोजिशन इनिशिएट कर रहे हैं। सो वट देर डेड इज दे बॉट मोर देन 1,000 crores ऑफ फ्यूचर्स इन FIR फ्यूचर्स बॉट एंड पुट उन्होंने शॉर्ट करिए 32,000 एंड उन्होंने कॉल लॉन्ग करिए 52,000, दैट मीन्स दे आर स्ट्रांगली बुलिश। आप देख सकते हैं कॉल उन्होंने बाय करी हुई है, दैट मीन्स इट्स ऑन अ गुड साइड, पुट उन्होंने शॉर्ट करी है, बहुत अच्छी बात है, FIIs में फ्यूचर्स उन्होंने लॉन्ग करे, इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स कि अगर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं आता फ्रॉम द US मार्केट और फ्रॉम द अदर डाटा, तो मार्केट कल एक बड़ी रैली दे सकती है। अब याद रखेगा, जब भी FII का डाटा लोग देखते हैं और देखते हैं अब तो बहुत अच्छी है तो वो बाय बना लेते हैं, याद रखना FII हमेशा ट्रैप करने की कोशिश करेगी। क्या कर सकती है, कल शायद एक सडन गैप डाउन आ जाए या सडन एक फॉल आ जाए नीचे और वहां पर स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और आप लोग सेल के लिए भी ट्रेड इनिशिएट कर दोगे और सडनली वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी और आप वहां पर स्टॉप लॉसेस लॉसेस ही बुक करते रहोगे। दैट मीन्स कि मार्केट ओपन खुली वो तुरंत नीचे जाना स्टार्ट करेगी, जैसे नीचे जाना स्टार्ट करेगी आपको लगा अब तो फॉल आ सकता है और आपने एक शॉर्ट ट्रेड ले लिया, वो अगेन ऊपर गया, वहां पर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड वहां से रैली कंटिन्यू। तो रिमाइंड रखना, जब भी FIIs इस तरीके का डाटा आता है तो वो एक माइंडफुल प्ले होता है, तो आपको दोनों सिनेरियो याद रखने, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और जब तक आपको एक परफेक्ट एंट्री या सेटअप ना मिले यू डोंट हैव टू एंटर, स्टार्टिंग के 5 मिनट डोंट एंटर, जस्ट वॉच द मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। सो आई होप आपको ये नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आती है, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको ये वीडियोज पसंद आ रही है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। I'll meet you on my Telegram channel on the tomorrow morning. See you soon. Bye-bye.